40 फुट की अंडर सुरंग में नन्हा सा बछड़ा फंस गया और अंदर चला गया था। और हमारे श्री कृष्ण फाउंडेशन के फाउंडर सोमू पटेल को जानकारी दी और वहाँ पहुँच गए और रेस्क्यू हाथ में डर लिया। और जो वहाँ के जो स्थानिक लोग थे वो लोग भी वहाँ पे थे, उन लोगों ने बहुत कोशिश की, जीसीबी बोला कि वहाँ रास्ता भी खुदवाया, लेकिन हमने बोला कि आप 5 मिनट रुक जाओ, हमारे श्री कृष्ण फाउंडेशन के सोमू पटेल आ रहे हैं। फिर सोमू पटेल ने रेस्क्यू जारी कर दिया और बछड़े को रोटी खिलाना चालू कर दिया। रोटी दिखाई तो बछड़ा आराम से अंदर से धीरे धीरे आने लगा। काफ़ी टाइम लग गया, शायद आधा घंटा जैसा लग गया, तब बछड़ा अंदर से बाहर धीरे धीरे आया। बहुत प्यार से संभ रहा है। तो आप देखिए सोमू पटेल कैसे बछड़े को रोटी मांग रहे हैं वहाँ से। एक ये रोटी हमारे पास आई थी, ये रोटी हमें बहुत काम कर गया। अगर हमारे पास ये रोटी नहीं होती तो बछड़ा बाहर नहीं निकलता। बहुत प्यार से समझा रहे थे हमारा श्री कृष्ण फाउंडेशन के सोमू पटेल। जब जब रोटी दिखाते रहे तब तक बछड़ा बाहर निकलता रहा। देखिए अभी पूरी तरह से बछड़ा बाहर आ गया, बहुत प्यार से समझाया। अगर रोटी नहीं होती तो अभी बछड़ा नहीं बाहर निकलता। देखिए तो बच्चा कैसे बाहर निकलता। आप वीडियो में बने रहे, आप प्रार्थना कीजिए कि बछड़ा प्यार से बाहर निकल आए। कहवत है मालूम है ना आपको, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो रोटी जहाँ जाने वाले वहाँ ही भगवान भेजता है रोटी। तो देखिए आप बछड़ा कितना प्यास से खा रहा है रोटी। तो दूसरी रोटी बछड़े को दे दी और प्यास से खा रहा है। देखिए तो आपने देखा, आपकी प्रार्थना से बछड़ा बाहर निकल गया। क्योंकि गौ वंश या कोई भी एनिमल एक ही बार चांस देता है। तो सोमू पटेल एक बार पैर उसका पकड़ लिया, फिर बाहर फेंक दिया और वहाँ खड़ा हो गया, क्योंकि फिर से बच्चा अंदर ना जा पाए। क्योंकि उस खाने की तलाश में बारिश का मौसम है तो पानी भर जाने के अंदर मर भी जाता, जब पानी ज़्यादा रहता। तो शायद भगवान की कृपा है कि अंदर पानी कम था और बछड़ा निकाल लिया। ये पूरे स्थानिक लोग वहाँ से नज़ारा देख रहे हैं और उन लोग का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और उन लोगों ने हमें जानकारी दी और वहाँ गए थे। उन लोग भी प्रार्थना कर रहे थे कि बछड़ा निकल जाए जल्दी से, क्योंकि काफ़ी कोशिश की उन लोगों ने। तो अभी इसमें से बछड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। अभी रोटी खिला गया, नाली में से निकाल लिया, फिर अंदर से फिर ना चला जाए, इसलिए वो कोशिश चालू कर दी हम लोगों ने। ये बछड़ा है ना, रोटी से ही मान रहा था और रोटी की वजह से ही बाहर निकला। देखिए अब, क्योंकि कुछ खाने की लालच दे तभी वो आता था। देखिए अब तो मुँह आगे कर दिया, मुँह अब फिर से उसके गले में डाल। जो इतने थे लोग, बहुत मुश्किल से इसमें जहमत लगी ऑपरेशन करने में। काफ़ी एक बार उन लोगों ने भी ताई की थी, लेकिन बछड़ा अंदर अंदर भाग रहा था। जैसे जैसे अंदर जाता था अंदर ही भाग रहा था। देखिए अभी रस्सी मंगवा ली और फिर उनको बांध के ऊपर निकालने वाले हम लोग। और अच्छे से सेव, उसकी माँ उधर ही खड़ी हुई है बछड़े को ले जाने में। और पूरी तरह से इस बछड़ा परेशान था। देखिए एक भाई आ गया, सचिन करके भाई है उधर स्थानिक में, दिल्ली मोरा आटेलिया में है। उनकी बहुत अच्छी मेहनत है और उधर रेस्क्यू करते हैं ये भाई। और बड़ी मुश्किल से वो भाई भी अंदर उतरा है हमारी हेल्प करने के लिए। बछड़ा अंदर ही जा रहा है। देखिए आप, फिर रस्सी बांध के ऊपर उसको खींचना हम लोगों ने चालू कर दिया। ये नहीं पकड़ो, ये नहीं पकड़ो, आप पकड़ आप पकड़।
आप पहले पकड़ भी चुरो चलो आप बट्टा खेचो निकली भाई।